वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 हिंदी उसका यहाँ पे चैप्टर है कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कविता लिखी हुई है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पे मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग, मेरे 51 कविताएँ, सेक्युलरवाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैन्य न पलायनम, नई चुनौती नया अवसर, उनके आदि प्रमुख संरचनाएँ हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत रचना एक आह्वान गीत है। इस गीत में वे हम सब भारतवासियों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते हैं। माना कि इसमें बहुत कठिनाइयाँ है, फिर भी सभी को साथ मिलकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए आगे बढ़ने की सीख देते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे आप कविता का सार जो एक्सप्लेन करूँगा। पहली पंक्ति में बताया गया है कि कवि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान करते हैं। वह कहते हैं कि उन्नति के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, हमारे मार्ग में अंगारे क्यों ना बिछे हो, सिर पर आग की लपेटें ही क्यों ना बरस रही हो, हमें इनका सामना करना होगा और अपने हाथों में खुशी खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। अब दूसरी पंक्तियों में बताया गया है कि हमें अपने आप पर हर स्थिति में ढालना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो अथवा कष्ट झेलने यानी कि गम का माहौल हो, चाहे तूफान आए या जान निछा कर देने की स्थिति उत्पन्न हो, चाहे शस्य श्यामला धरती का सुख भोगने को मिले अथवा उज्जड़ स्थिति में कष्ट सहना पड़े, अपमान सहन करना पड़े या सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो, किसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें कष्ट क्लेश सहते हुए जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। कविता की तीसरी पंक्ति की बात करते हैं तो हमारे मार्ग में उजालों से भरा हुआ हो अथवा सामने अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो अथवा विपत्ति का पहाड़ फाट पड़े, करुणा का पात्र बनना पड़े या फिर पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले अथवा दीर्घकाल तक हार का सामना करना पड़े, हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। चाहे हमें अपने अरमानों की बलि ही क्यों न देनी पड़े, हर पर हमें एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। अगले पंक्ति में बात करते हैं तो कवि कहते हैं कि यदि उद्देश्य अपने समक्ष हो, हमें निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए, उसमें आरंभ और समाप्ति का ख्याल हमें नहीं करना चाहिए, हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और अपने चेहरे पर सम से थकान का नामोनिशान नहीं लाना चाहिए। हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक जैसी ही होनी चाहिए। हमें अपना सब कुछ निछावर करके किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें वर्षा ऋतु की तरह सब पर सब कुछ निछावर करते रहना चाहिए। हमें सब लोगों के साथ कदम मिला कर चलना होगा। अब आखिरी पंक्तियों में कवि यहाँ पे बताते हैं कि हमें कांटों भरा जीवन जीना होगा। हमें जीवन में आने वाले दुखों की परवाह नहीं करना है। हमें प्यासने से रहित जीवन भले ही जीना पड़े, पर हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना है। हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन क्यों ना त्याग देना पड़े, हमें कदम मिलाकर चलना होगा। तो यहाँ पे कविता समाप्त होती है। अगला वीडियो में जो है आपको व्हाट्सएप पर नोटिफाई करूँगा। इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।